Today in this lecture we are going to discuss the fourth part of unit 1. In this part we will discuss about the electromagnetic storage EDLC and SMES. EDLC is nothing but electrical double layer capacitor, and in SMES we will discuss about the superconducting magnetic energy storage. So we will start with what is electromagnetic energy. As you already know, electromagnetic energy is a form of energy that is reflected or emitted from object in the form of electrical and magnetic waves that can travel through space. Electromagnetic energy क्या होता है? किसी भी object से electrical और magnetic waves निकलती हैं और जो space में travel करती है. तो ये जो magnetic wave और electrical wave किसी object से निकलती हैं, these waves are known as electromagnetic energy. इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट में क्या हो गया आपका, ऑल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट वी सी, जैसे विब्योर होता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, एक्स रेज एंड गामा रेडिएशन. तो होता क्या है, बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये दोनों परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं. तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इट इज आल्सो, दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, ठीक है, they are also perpendicular to the direction of propagation. Electric field and magnetic fields are perpendicular to each other as well as they are also perpendicular to the direction of propagation. अगर x, y, z तीन एक्सिस करेंगे तो तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं. Electromagnetic field, electric field, magnetic field as well as the direction of प्रोपोगेशन. अब इसमें देखिए, जैसे आगे डायग्राम दिया हुआ है, ये है, ये एनर्जी लेवल दिया हुआ है, ठीक है, तो 10^8, 10^6, 10^4, 10^2 ऐसे दिया हुआ ना, फिर 1, फिर 10^-2, -4, -6, -8 ऐसे इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है. तो लेफ्ट साइड में है जो आप देख रहे हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, तो इधर क्या है, इधर एनर्जी लेवल हाई है. और राइट साइड में देखें, इंफ्रारेड, रडार है ना, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी वेव्स है, शॉर्ट वेव्स है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो इस साइड क्या है, लोअर एनर्जी है, ठीक है. और जो लोवेस्ट है वो 10^-8 के बाद, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, दैट इज़ द, दिस वेव्स हैव लोवेस्ट एनर्जी लेवल. इसमें क्या होता है, नीचे देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, 10^-14, 10^-12, 10^-8. तो क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी एंड एनर्जी विल आल्सो डिक्रीज. वेयर वेवलेंथ इज इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज एंड द एनर्जी लेवल विल आल्सो बी डिक्रीज. तो ये विब ग्योर जो आप, एवरीबडी नोज अबाउट द विब ग्योर, तो जो दिया हुआ है, अब दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे स्पेस, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है इंफ्रारेड रेज, रडार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी, शॉर्ट वेव्स, एम्पली मॉड्यूलेशन दिया हुआ है. इन सब, इन दोनों लेफ्ट और राइट के बीच में जो है, दैट इज लाइट. तो लाइट हमें दिखती तो वाइट कलर की है, लेकिन लाइट में कितने कलर होते हैं आप सब लोग जानते हैं, वायलेट, ग्रीन, येलो, रेड है ना, विबग्योर कलर जो होता है. तो ये हमारे बीच में 10^4 से
10 टू द पावर माइनस 6 के बीच में देखिए जो है दिया हुआ है, दैट इज़ आवर लाइट। तो लेफ्ट साइड में जो गामा रेज, एक्सरे और अल्ट्रावायलेट रेज है, राइट साइड में इंफ्रारेड, रडार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी, शॉर्टवेव, एएम है। तो अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बीच में आप देख रहे होंगे ये जो बीच में स्पेस है, दैट इज लाइट। ठीक है, तो ये इतनी सारी वेव्स हैं। इसमें जो मेन चीज़ है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद द सेम स्पीड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये ट्रेवल करती हैं विद द सेम स्पीड एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि वॉट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड और इमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव दैट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव्स के रूप में निकलती है जो कि ट्रेवल करती है स्पेस में। इसके एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, विजिबल लाइट, ऑल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम दैट वी सी, अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरे एंड गामा रेडिएशन। दिस इज द डायग्राम। एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्टर ऑफ प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में ये चल रही होती है, डायरेक्टर ऑफ प्रोपोगेशन कहते हैं जिस डायरेक्शन में ये दोनों फील्ड मूव कर रही है, तो वो जो डायरेक्शन है उस पर भी परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। एंड वन मोर थिंग, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स विद द स्पीड दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। हियर यू कैन से दैट इन द डायग्राम द गामा रेज, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज एंड द राइट साइड इंफ्रारेड रेज, रडार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, टीवी, शॉर्ट वेव एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड इन बिटवीन अल्ट्रावायलेट रेज एंड इंफ्रारेड देयर इज अ गैप, यू कैन सी द गैप, दिस इज नथिंग बट द लाइट। उसी को एक्सपैंड करके पूरा डायग्राम दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है नैनोमीटर्स में, 400, 500, 600, 700। अब इसमें डायग्राम में जैसे दिया हुआ है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर जो है आप देख रहेंगे हाई एनर्जी है, और राइट साइड में जितनी होती हैं उनके एनर्जी लेवल कम होता है। बिकॉज एज वेवलेंथ इंक्रीजेज फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज एंड द एनर्जी विल ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। द लेटर टिपिकली जनरेटेड बाई ए करंट कैरिंग क्वाइल, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग क्वाइल होती है उससे जो है उत्पन्न होती है। प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज इंक्लूड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर दैट इज EDLC और अल्ट्रा कैपेसिटर एंड सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज। इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। देयर विल बी टू डिवाइसेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, दैट इज EDLC, दैट इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर, एंड नेक्स्ट थिंग इज SMEES। ठीक है, वी विल डिस्कस बोथ। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर जो होता है दैट इज नथिंग बट जस्ट लाइक लिथियम बैटरी, जो हम घर में लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं इन्वर्टर के साथ, दैट इज़ आवर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर। तो पहले हम एज एवरीबडी नोज कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है वही ड्यूअल हो जाएगा
इन ई डी एल सी. तो कैपेसिटर एज वी ऑलरेडी नो दैट कैपेसिटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स. इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू अपोजिटली चार्ज प्लेट. दो अपोजिट चार्ज प्लेट होती है कैपेसिटर में. किस पर्पस के लिए? इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करने के लिए हम जो है कैपेसिटर यूज़ करते हैं जिसमें दो अपोजिटली चार्ज होती प्लेट्स होती हैं. ई डी एल सीज आर चार्ज स्टोरेज डिवाइस विच आर सिमिलर टू लिथियम आयन बैटरीज इज डिज़ाइंड एंड असेंबली. इन जनरल ई डी एल सीज आर कंपोज्ड ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ए सेपरेटर. अभी डायग्राम से ये आगे और चीज़ क्लियर हो जाएगी. ई डी एल सी में क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक सेपरेटर होता है. द सेपरेटर इलेक्ट्रिकली इंसुलेट्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव इलेक्ट्रोड इन एन ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम. नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यू कैन सी इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव इधर से जुड़ा हुआ है और एक तरफ निगेटिव जुड़ा हुआ है. ठीक, तो बीच में बैटरी में क्या है आप देख रहे हैं, करंट कलेक्टर है. ब्लैक कलर की जो प्लेट लगी हुई है, दोनों तरफ प्लेट है. बीच में एक ब्लू कलर का रॉड के शेप में आप देख रहे हैं, दैट इज़ सेपरेटर, जो दोनों को अलग कर रहा है. और बीच में इनके क्या भरा हुआ है? एक्टिव पोरस इलेक्ट्रोड मटेरियल हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, हम एक तरफ बैटरी से जब हम सर्किट को कनेक्ट करेंगे, एक्सटर्नल सर्किट से जब कनेक्ट करेंगे और बिजली देंगे, तो लेफ्ट साइड में हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव. बैटरी को क्या कर रहे हैं? बिजली के हम पॉजिटिव से कनेक्ट किए हैं और राइट साइड को निगेटिव से कनेक्ट किए हैं. तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटेंस डराइव फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच इज़ जनरेटेड बाई डायरेक्शनल अलाइनमेंट ऑफ आयन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एट द इंटरफेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड इलेक्ट्रोलाइट. ये चारकोल का बना हुआ हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसमें आगे क्या है? इन पर्टिकुलर द एक्सेस, यू कैन सी द डायग्राम. ठीक, इस डायग्राम में क्या है, ये रेड कलर से जो दिख रहे हैं पॉइंट, उसी को बड़े करके दिखाया हुआ है. लेफ्ट साइड में आप देख रहे होगे कि रेड आयंस कम हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस कम हैं. ठीक, तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा जब हम एक्सटर्नल सर्किट से देंगे, तो ये जो प्लेट है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है. तो जितने भी निगेटिव आयंस हैं वो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, और जो राइट साइड में जो प्लेट है उसको हम क्या कर रहे हैं? निगेटिव से कनेक्ट कर रखे हैं, तो ये निगेटिवली चार्ज रहेगी. तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस वाली प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे. इसलिए आप जो एक्टिव पोरस इलेक्ट्रोड मटेरियल देख रहे हैं, तो राइट साइड वाले पार्ट में आप देखिए, उसको जो बड़ा करके डायग्राम दिखाया है, उसमें पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं. तो ये पॉजिटिव आयंस किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे? ये करंट कलेक्टर जो है, जो ब्लैक कलर की आप प्लेट देख रहे हैं उस ओर के, तो क्या होगा? ड्यूअल कैपेसिटर फॉर्म होगा. एक लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, जिसको कि हम पॉजिटिव करंट के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखे हैं. तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो जितने निगेटिवली चार्ज होंगे वो इसकी ओर अट्रैक्ट होंगे. तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये कैपेसिटर बन जाएगा. और राइट साइड वाले पोर्शन में देखिए, ब्लैक कलर की जो वो है करंट कलेक्टर है, उसमें क्या है? चूंकि हमने निगेटिव से कर रखा है, तो ये प्लेट निगेटिवली चार्ज है. तो इसमें एक्टिव पोरस इलेक्ट्रोड मटेरियल में जितने पॉजिटिव आयंस होंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो फिर से क्या होगा? एक कैपेसिटर बन जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, निगेटिव और पॉजिटिव का. तो इस तरीके से दो कैपेसिटर हमारे बन जाएंगे, एक लेफ्ट पॉर्ट वाले पोर्शन में पॉजिटिव निगेटिव, एक राइट वाले पोर्शन में निगेटिव पॉजिटिव. ठीक, इन पर्टिकुलर द एक्सेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एग्रीगेट ऑन द पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड सर्फेसेस वाइल इलेक्ट्रोलाइट आयन्स विद कंपनसेटिंग चार्जेस एक्यूमुलेट इन द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी.
when the system is given an external load or is charged, the cations or positive ions in the electrolyte migrate towards the negative electrode and anions migrate to the positive electrode, with the electrons travel through the external circuit from the negative to the positive electrode. In this way, the double layer is formed at the interface with the electrode. जैसा कि इस डायग्राम में मैंने आपको बताया, जब हमने लेफ़्ट साइड को पॉजिटिव से कलेक्ट किया और राइट साइड को निगेटिव से कलेक्ट किया, तो ये प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज हुई, तो जितने निगेटिव आयंस हैं या एनायंस हैं वो इस प्लेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, और राइट साइड में जो प्लेट है हमारी दैट विल बी चार्ज बाय निगेटिव आयंस, तो जितने भी पॉजिटिव आयंस हमारे इलेक्ट्रोड मटेरियल में है वो क्या होगा, इस तरफ, दोनों तरफ एक एक कैपेसिटर बन जाएगा. दैट्स वाई दिस इज नॉन ड्यूअल कैपेसिटर. ठीक, तो इन दिस वे द डबल लेयर इज फॉर्म एट द इंटरफेस विद इलेक्ट्रोड्स. अब आगे क्या होगा, व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड. अब जैसे हम बैटरी चार्ज कर रहे होते हैं अपने इन्वर्टर की, तो अब हमने क्या किया, वो चार्जिंग बंद कर दी, हमने बाहर से बिजली देना बंद कर दिया. तो व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड और चार्जिंग फिनिशेज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन द इलेक्ट्रोड एंड अनायंस इन द इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट ईच अदर, वाइल निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेज ऑन द इलेक्ट्रोड एंड कटायंस इन द इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द डबल लेयर्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स. दस अ रिलेटिवली स्टेबल वोल्टेज इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज, द रिवर्स प्रोसेस इज हैपन. ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब एक्सटर्नल लोड जो हम दे रहे थे या चार्ज कर रहे थे वो ख़त्म हो गया चार्जिंग, या तो चार्जिंग पूरी फिनिश हो चुकी हो या जो हम एक्सटर्नल लोड दे रहे थे वो हटा दें, तब क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोड एंड निगेटिव और यू कैन से अनायंस इन द इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट ईच अदर. अब वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वाइल निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रोड एंड कटायंस इन द इलेक्ट्रोलाइट अट्रैक्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द डबल लेयर्स ऑन द इलेक्ट्रोड. अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टेबल करंट हमको मिलता रहेगा तब तक. दस रिलेटिवली स्टेबल वोल्टेज इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज. अब क्या होगा, जब डिस्चार्ज होने लगेगा हमारा, जब बैटरी ख़त्म होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, तब क्या होगा, इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस होता है. ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कैटायन, वो मैंने बता रखा है, कैटायन इज आयोनिक स्पेसिफिक दैट विद अ पॉजिटिव चार्ज इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स एंड अनायंस होते हैं निगेटिव चार्ज इट हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स. तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर. मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक, तो आफ्टर EDLC नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक दैट इज SMES. SMES इज नथिंग बट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक, तो हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है SMES, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, SMES. तो बिफोर डिस्कसिंग द SMES, फर्स्ट वी शुड क्लियर अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी. ठीक, कंडक्टर आप लोग सब लोग जानते हैं, कंडक्टर जानते हैं, इंसुलेटर, जैसे इंसुलेटर क्या हो, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में आसानी से इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर सकता है. ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन उसमें मूव नहीं कर सकता, करंट उसमें पास नहीं हो सकती. ऐसे ही सेमी कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसमें थोड़ी सी मात्रा में हम वो कर सकते हैं. ठीक, तो कंडक्टर में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी ईजिली हमारा प्रवाहित हो सकता है, मूव कर सकता है. देन सुपर कंडक्टर. ठीक, तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, फर्स्ट वी शुड क्लियर अबाउट द सुपर कंडक्टिविटी. तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, सम कंडक्टर्स व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो. कुछ ऐसे कंडक्टर, जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है.
बिजली उसमें प्रवाहित हो सकती है कंडक्टर में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन, और वो तो होता है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब वो सुपर कंडक्टर बन जाता है तो उसकी रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज सुपर कंडक्टर है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो सम कंडक्टर्स व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। कुछ कंडक्टर जब हम एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे उसको ठंडा करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, ठीक। तो व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी? सम कंडक्टर्स व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी, ठीक। तो ऐसा भी अभी आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कुछ सुपर कंडक्टिविटी के एग्जांपल समझ लीजिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं लेड, पीवी, ठीक है। तो लेड इज़ अ कंडक्टर बट इट इज़ अ सुपर कंडक्टर बिलो 7.2 केल्विन। लेड क्या है? लेड कंडक्टर है लेकिन ये सुपर कंडक्टर बन जाता है जब इसका टेम्परेचर 7.2 केल्विन से हम कम कर देते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं मरकरी का, ठीक है। मरकरी इसको हम डोनेट करते हैं Hg से। तो मरकरी इज अ कंडक्टर बट इट इज ए सुपर कंडक्टर बिलो 4.2 केल्विन। मरकरी हमारा कंडक्टर है लेकिन ये सुपर कंडक्टर बन जाता है कब? जब इसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन से कम हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द टू एग्जांपल। तो आप भूलिएगा नहीं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? सम कंडक्टर्स व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर देयर रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इसके दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल इज लेड। व्हेन लेड इज ए कंडक्टर बट इट इज ए सुपर कंडक्टर बिलो 7.2 केल्विन। Another example is mercury. We denote it with Hg. So mercury is a conductor, but it is a superconductor below 4.2 Kelvin. Now we are going to discuss the SMES. So SMES का एक diagram दिया हुआ है, net से मैंने लिया था। SMES is a superconducting magnetic energy storage system. It was originally proposed for large-scale load leveling, but because of its rapid discharge capabilities, it has been implemented on electric power system for pulsed power and system stability applications. Superconducting magnetic energy storage is a novel technology that store electricity from a grid within the magnetic field of a coil comprised of a superconducting wire with a near zero loss of energy. इसको मान के चलते हैं कि superconducting magnetic energy जो store करता है ये electricity को grid से store करता है, जिसमें हम मान के चलते हैं कि उसमें resistivity ऑलमोस्ट जीरो है, सुपर कंडक्टिंग वायर विद ए नियर जीरो लॉस ऑफ एनर्जी, जिसमें कि हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टिविटी जीरो है तो लॉस ऑफ एनर्जी विल बी जीरो। ये ऐसा हम मान के चलते हैं कि जब हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं तो इसमें जो हम ग्रिड यूज़ करते हैं उसमें हम मान के चलते हैं कि ये सुपर कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टिविटी जीरो होगी, जिससे कि हमारा एनर्जी लॉस जीरो होगा, ठीक। द मेन पार्ट्स इंस्टॉल्ड इन SMES आर मोशनलेस, मेकिंग द डिवाइस हाईली रिलायबल। SMES इज ए ग्रिड एनेबलिंग डिवाइसेस दैट स्टोर्स एंड डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पावर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। द सिस्टम इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हाई लेवल ऑफ पावर within a fraction of cycle to replace a sudden loss
और डिप इन लाइन पावर। ये जो सिस्टम होता है SMES, ये कैपेबल होता है हाई लेवल ऑफ पावर, बहुत कम सेकेंडों में, नैनो सेकेंड में हाई लेवल ऑफ पावर फ्रैक्शन ऑफ साइकिल टू रिप्लेस ए सडन लॉस और डिप इन लाइन, जो जो हमें नुकसान हो रहा होता है या डिप इन लाइन होता है उसको विद इन नो टाइम ये रिमूव कर सकता है। स्ट्रैटेजिक इंजेक्शन ऑफ ब्रीफ बर्स्ट ऑफ पावर कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ग्रिड रिलायबिलिटी स्पेशली विद टूडेज इंक्रीजिंगली कंजेस्टेड पावर लाइन्स एंड द हाई पेनिट्रेशन ऑफ रीनेवेबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड एंड सोलर। ए टिपिकल SMEs कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। SMEs के जो है बेसिकली दो हिस्से होते हैं। ए टिपिकल SMEs हैज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। क्रायोजेनिकली कूल्ड सुपर कंडक्टिव कॉयल एंड पावर कंडीशनिंग सिस्टम। एक क्या होता है, सुपर कंडक्टिव कॉयल जो होती है वो ठंडी होती है, जब ठंडी उसको करेंगे सर्टेन टेम्परेचर के नीचे रखेंगे तभी वो सुपर कंडक्टर की तरह हमारा काम करेगी। और पावर कंडीशनिंग सिस्टम, ये दो हिस्से होते हैं SMEs में, विच आर मोशनलेस एंड रिजल्ट इन हायर रिलायबिलिटी दैन मैनी अदर पावर स्टोरेज डिवाइसेस। की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आइडियली वंस द सुपर कंडक्टिंग कॉयल इज चार्ज द करेंट विल नॉट डिके, द मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इनडेफिनेटली। ठीक है, आइडियली जब हम सुपर कंडक्टिंग कॉयल को चार्ज करते हैं तो करेंट विल नॉट डिके, देयर विल बी नो डिके ऑफ करेंट और द मैग्नेटिक एनर्जी जो है हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या है SMEs के, ठीक, तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ सुपर कंडक्टिव SMEs। ठीक, तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ SMEs इज इट इम्प्रूव्स पावर क्वालिटी फॉर क्रिटिकल लोड्स एंड प्रोवाइड्स कैरी ओवर एनर्जी ड्यूरिंग मोमेंटरी वोल्टेज एंड पावर आउटेज। सेकेंड इज इट इम्प्रूव्स लोड लेवलिंग बिटवीन रीनेवेबल एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड और सोलर एंड द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। थर्ड इज environmentally beneficial as compared to batteries, superconductivity does not rely on a chemical reaction and no toxins are produced in the process। ये क्या है, environment के लिए बहुत अच्छा है as compared to batteries, जो हम lithium ion batteries या other kind of batteries use करते हैं उसके comparison में ये environment friendly है, इससे pollution होने के chances कम रहते हैं। बिकॉज सुपर कंडक्टिविटी डज नॉट रिलाई ऑन केमिकल रिएक्शन एंड नो टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड नहीं है, इससे पोल्यूशन होने की संभावना ना के बराबर होती है। फोर्थ, इट इन्हेंसेस ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। इससे क्या है, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी परफॉर्मेंस दोनों बढ़ जाती है। SMES features a high dynamic range and almost infinite cycling capability and an energy recovery rate close to 100%। इसका जो energy recovery rate है वो 100% होता है। Fifth is ultra high field operation enables long term storage SMES system in a compact device which cost advantages in material and system cost। So these are the benefits of SMEs AS। Now a few key players in superconducting magnetic energy storage system market segment include kuch jo mukhya companies hain jo कि हमारे सुपर
कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस समय मार्केट में अवेलेबल है। तो ए फ्यू की प्लेयर्स इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मार्केट सेगमेंट्स इंक्लूड, जो पहली है वो है अमेरिकन मैग्नेटिक्स, सेकंड इज सुपर पावर इनकॉर्पोरेशन, थर्ड इज साउथ वायर कंपनी, फोर्थ इज नेक्सॉन्स SA, फिफ्थ इज GE कॉरपोरेशन, सिक्स्थ इज ब्रूकर एनर्जी एंड सुपरकॉन टेक्नोलॉजीज, सेवन्थ इज बैबोक नोएल, सिक्स्थ इज कोलंबस सुपर कंडक्टर्स SPA, नाइन्थ इज ASG सुपर कंडक्टर्स SPA, एंड द लास्ट इज ABB। दीज आर द फेमस 10 कंपनीज हु आर डीलिंग इन सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक स्टोरेज सिस्टम। नाउ दिस इज द एंड ऑफ टूडेज टॉपिक। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will discuss about the quantum mechanics, the Planck theory, Bohr's theories and other topics.